तो वेलकम टू द पबजी मोबाइल लेट अनदर गेम प्ले। तो भाई आज हम बता दें, आज हम रैंडम बंदों के साथ खेल लेते हैं। हमें लगा कि यार रैंडम बंदों के साथ खेल के देखें क्या होता है। तो ये लोग भैया हमें विलेज ले आते हैं। इतनी छोटी सी जगह होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं भैया स्केटिंग ऑन करके, क्योंकि भैया क्या बताएं, ऐसा लैंड कराए हैं कि हमको आधी गली में छोड़ दिए हैं। देख लो भैया, इनको मिर्गी पहले हम दूर करते हैं। जैसे मिर्गी दूर करते हैं, तुरंत हमको बाइजन मिल जाती है, और जैसे हमको बाइजन मिलती है, केडी बढ़ाने वाले भगवान भी आने लगते हैं लाइन से। देखिएगा, कहाँ तुम भी ले लो, तुरंत तीनों की केडीएम बढ़वा लेते हैं। फिर ऊपर आते हैं, तब तक हम ऊपर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ टॉमी पड़ी है, हम तुरंत टॉमी उठा लेते हैं। भाई साहब, टॉमी उठाने के बाद हम तुरंत आते हैं यहाँ। तो भाई लोग एक बार बताने थे आप लोगों से, कल एक्चुअल में ये हुआ कि मैं जब मतलब गेम प्ले जब रिकॉर्ड कर चुका था, जब एडिटिंग करा था, तो कल की जो मेरी वॉइस रिवील थी ना, जो क्या जो एंड टाइम पे जब मतलब जब मैं पेड़ के पास जब वहाँ पे मर गया था, तो वहाँ पे हुआ ये कि जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मेरी वॉइस रिवील ही मतलब वो आधी रिमूव हो गई एडिटिंग से, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई जो थोड़ी। तो इसके लिए सॉरी गाइस, बट इस गेम प्ले में आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मज़ा भी आएगा कि आप इस गेम प्ले में ना आपको हम सांप से मिलवाएंगे। तो यहाँ से भी हम लूट वूट थोड़ी कर लें, क्योंकि लूट है ही नहीं। तो सीधा हम यहाँ गाड़ी लेके यहाँ बंदों से बोलते हैं कि भैया बैठो, तो दो नंबर से बोल रहे होते भैया बैठो। लेकिन एक बात और भाई, ये जो टीममेट होते हैं ना, ये अपना माइक ही नहीं खोलते हैं भाई साहब, मतलब क्या ही बता दे, पूरे मैच में माइक नहीं खोलते अपना। अब देखो ये चले जा रहे हैं। ए मजनू बैठो, भैया कहाँ जा रहे हो? तुरंत इनको हम बैठाते हैं, इनको बैठाते हैं। जैसे अब देखिए, सबको बताओ भाई साहब, हम सबको यहाँ बैठाते हैं। जब बैठा लेते हैं सबको, तब हम जाते हैं चार नंबर को बैठा लेते हैं। चार नंबर इसमें पूरे प्लेयर होते हैं, देखिएगा अभी आगे चल के। चार नंबर भाई बैठो। अरे बैठो भैया, क्या कर रहे हो? चार नंबर को बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद हम तुरंत जा रहे होते हैं यहाँ से मज़े से एकदम। तो पता चलता ये है कि बंदे होते हैं स्टेडियम के साइड, तो तुरंत हम स्टेडियम लगा लेते हैं। स्टेडियम लगाने का पता चलता है सामने बंदा, तुरंत कुचल देते हैं इनको हम। जैसे इनको कुचलते हैं, हमें लगता है कि स्टेडियम में बंदे होंगे, हम तुरंत स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो बंदे होते ही नहीं हैं, तो यहाँ बंदे नहीं होते हैं तो हमारा एक बार मन करता है कि लाओ स्टेडियम के अंदर जाए, लेकिन हमने कहा छोड़ो हटाओ, नहीं चलेंगे स्टेडियम के अंदर नहीं जाते हैं। फिर हम तुरंत अपने टीममेट से बोलते हैं कि भाई गाड़ी लेके आओ, चलते हैं यहाँ से। तुरंत अपने हम टीममेट से बोलते हैं कि भाई गाड़ी लाओ, चलते हैं यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा था इनको भाई, हम क्या ही बताएं। तुरंत उनको बैठाते हैं, भैया हम ही गाड़ी ले लें, हम ही ड्राइवर हैं, चलो भैया बैठो। तुरंत इन सबको बैठाते हैं यहाँ पे। चार नंबर नहीं आते, हम चार नंबर को नहीं उठाते, दो नंबर को बैठा लेते हैं। दो नंबर भैया जल्दी बैठो गाड़ी पे, बैठो भाई। अरे क्या कर रहे हो? देख लो भैया छलांग मार रहे हैं। अरे बैठो भैया। तुरंत इनको हम बैठा के अपार्टमेंट की साइड निकल चुके, क्योंकि अपार्टमेंट की साइड से गोलियां चल रही थी, तो हमें लगा यहाँ बंदे बंदे होंगे, तो हम तुरंत आते हैं यहाँ अपार्टमेंट साइड। और देखिएगा भाई, फाइनली बंदे कैसे आते हैं मेरे पास सामने, ये देखिए पहला बंदा। तुरंत इनको हम दोहरा देते हैं, अभी देखिएगा लाइन से बंदे आएंगे भाई साहब, और सबको हम दोहराते हैं। सांप तो तुम्हें नफरत भैया। तुरंत इनको भी नुहरा देते हैं, लेकिन ये नुहरते नहीं, ये सीधा लॉबी में नुहर जाते हैं। तो तुरंत हम देखते हैं यहाँ बंदे होते हैं, तो पता लगा ये तो कैडी उठाने वाले भगवान होते हैं। तो तुरंत इनका जो है हम गेम बजा देते हैं। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता है। फिर हमने कहा थोड़ी लूट वूट कर लें, भैया इतना मारे हैं बंदों को, लूट कर लें। हम फोर की एमो नहीं थी, तुरंत हम फोर की एमो उठाते हैं भाई, पूरी एमो उठा लेते हैं हम फोर की, कोई पाता ही नहीं है, सारी एमओ हम उठा लेते हैं यहाँ से। तो उठाने के बाद हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि तीन नंबर पलथी जमा के पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। हम इनसे बोल रहे होते हैं, भाई क्या कर रहे हो? तो ये कुछ बोलते ही नहीं है। मैं कहा भैया ना बोलो, तो हमें थोड़ा गाड़ी का साउंड आता है, तो हम यहाँ से साइड में चले आए होते हैं। यहाँ से गाड़ी का साउंड आएगा भी मुझे, लेकिन मुझे लगता बंदे होंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब तक पता चला तीन नंबर किसी ने नुहरा दिया, और जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं वो नुहरा के उनको लॉबी तक भी भेज देते हैं। ये देखिए ये हैं वो,
अरे भैया नेड आ जाता है यहाँ पे, हमको पता है तो तुरंत हम छलांग मार के धराते हैं। अभी इनको देखिए। ओ भैया कैसा लगा, आ गया ना स्वाद? तब तक हमको पता चलता है दो नंबर भाई साहब को कोई नुहरा देता है। देख लो भैया, हम बोल ले अंदर आओ, देखो भैया नुहरे नुहरे आएंगे भी। ओ हेल्प भैया, चिल्ला चिल्ला के एकदम दिमाग खराब कर देते हैं हमारा। लेकिन हमने कहा चलो भैया इनको रिवाइव दे दो, हम इनको रिवाइव दे के का थोड़ा बैंडेज वगैरह लगा लें, क्योंकि बैंडेज भाई थोड़ा लो हो गया तो उसको मारते हुए तो हम तुरंत ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। तो भाई लोग ऊपर आने के बाद हम देखते हैं चारों तरफ की कोई बंदा तो नहीं है, तो बंदा नहीं होता है यहाँ तो हम लेट को थोड़ा लूट लेने लगता है, लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं इस पेटी में। भाई बंदा इस स्प्रे तो सामने की तरफ, तुरंत हम स्कोप ओपन करके देखते हैं उसको, लेकिन पता चलता भैया इतना गंदा स्प्रे आता है हमको नागिन स्प्रे कि हम खुद हाफ एच पी जाते हैं। भाई हील होते नहीं तो बैंडेज लगाते हैं। अरे बैंडेज घिसते घिसते जवाना बीत जाएगा भाई, मतलब बैंडेज कितने कम एचपी देता है लगाने के बाद। तो अपने हम चार नंबर टीममेट को बोलते हैं कि भाई बंदे रस कर रहे हैं, जैसे बग्गी वाला बंदा आता हम तुरंत कूद के सोचते हैं कि इनको निपटा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है भैया। चार नंबर पीछे बंदा लेटा था, हमें पता नहीं चला कि पीछे बंदा है, हम तुरंत चले जाते हैं घर के। भाई यहाँ मौली, अरे बाप रे मौली कौन डर देता है भैया, मतलब क्या ही बताएं। तुरंत भैया हम लो एच पी हो जाते हैं भाई, 1.5 एच पी हो जाता है तुरंत यहाँ के। भैया हम फुल मेडिकेट लगाते हैं, पता चलता है कि बंदे रस कर दिए हैं। ये देखो भैया गिलीच कर रहे हैं भैया, तीन नंबर समझो तो इनको। अरे अरे ऊपर चढ़ो भाई, कहाँ बता दें क्या, हम फंस जाते तुरंत इनको स्प्रे देते हैं इधर से, वो भी हम स्प्रे देते, लेकिन कुछ होता नहीं टॉमी से, तुरंत हम ऊपर चले जाते हैं। देख लें भाई कोई नहीं आता तो एक नेट हम डाल देते हैं, हमने कहा अगर कोई आएगा तो एक अगर नॉक हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा फिर मारने में, बट ऐसा कुछ होता नहीं। मैं तुरंत छत के ऊपर आता हूँ, यहाँ से कूद के टीपीपी लेने लगता हूँ कि कोई आएगा तुरंत भर दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता लगा भैया हमारे तीन नंबर भैया पटरा चला रहे होते हैं, तुरंत एक बंदे को जो है नुहरा देते हैं। तब तक हम पहुँच जाते हैं, इनको पूरा ही खा जाते हैं। तब तक इसका दूसरा बंदा आके जो है हमारे तीन नंबर टीममेट को जो है नुहरा देता, तब तक हम इनको पूरा ही खा जाते हैं। तीन नंबर भैया तुरंत रिवाइव करते हैं, अगर इनके पास पटरा ना होती ना तो भैया ये सबको मार डालता पक्का था। तुरंत इनको हम रिवाइव करते हैं, और रिवाइव करने के बाद ये देखो भैया केडी बढ़ाने देवता तो अलग ही सीन है भैया, तुरंत आ जाते हैं ये। तुरंत हम यहाँ इनका भी गेम बजा देते हैं। तो भाई अब इस गेम प्ले में कुछ नहीं है, अब यहाँ से सिर्फ बॉट हैं। अब इनको देख लो भैया, लास्ट बॉट रहता है ये, और देख लो भैया क्या कर रहा है, तफरी लेता है हमसे हैं। तुरंत इनको हम लॉबी भेज देते हैं। तो भाई चिकन डिनर मिल जाता है इस गेम में। तो इस गेम में आप लोगों को क्या पसंद आया ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है भाई लोग कि अभी मतलब जो मैं मतलब वॉइस ओवर करता हूँ अपनी वीडियो में भाई, उसमें ये है कि मैं मतलब जिस ऐप से एडिट करता हूँ वीडियो उसी से मैं अपना वॉइस रिवील करता हूँ, तो